कोर्ट ने मई 2021 में फैसला सुनाया है कि राज्य सरकार के पास निजी स्कूलों के संबंध में आपातकालीन कानून के मद्देनजर फीस माफ करने का संवैधानिक अधिकार नहीं है। फिर भी राज्य सरकार ने 15% की शिक्षा शुल्क को माफ करने का निर्णय लिया है, जिसका आज मेस्टाफ द्वारा पत्र परिषद लेकर निषेध किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने मई 2021 में फैसला सुनाया है कि राज्य सरकार के पास निजी स्कूलों के संबंध में आपातकालीन कानून के मद्देनजर फीस माफ करने का संवैधानिक अधिकार नहीं है। हालांकि राज्य सरकार ने वोट के लिए यह फैसला लिया है, फैसला कोर्ट में टिक नहीं पाएगा। जबकि महाराष्ट्र में अंग्रेजी स्कूल पिछले 2 वर्षों से पूरी तरह से संकट में है। शिक्षा मंत्री इस तरह का एक तरफा निर्णय कैसे ले सकते हैं? पिछले महीने मेस्टा संगठन ने उन माता पिता को राहत देने के उद्देश्य से 25% शुल्क माफी की घोषणा की थी, जिनके माता पिता ने अपनी नौकरी खो दी थी। हमारे संगठन ने उन अनाथों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करने का फैसला किया जिन्होंने अपने माता पिता दोनों को खो दिया है। ऐसे अनाथ बच्चों को 12वीं कक्षा तक मुफ्त शिक्षा देने का निर्णय लिया है। 15% फी माफी चा निर्णय जो राज्य सरकार ने घेतलेला आहे तो निर्णय हा अतिशय बायस निर्णय आहे, तो संस्था चालकांवरती अन्यायकारक निर्णय आहे। त्यामध्ये त्यांनी कुठेही असा उल्लेख दिसत नाहीये की 15% जर त्यांनी माफ केला असेल तर त्याच मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये त्यांनी ते 15% इंग्रजी शाळेच्या त्या फीनुसार मंजूर करून घ्यायला हवे होते वित्त विभागाकडनं। निदान तसा प्रस्ताव तरी ठेवायला हवा होता, परंतु तसा ठेवलेला नाही आहे। म्हणजे एकंदरीत चित्र असं दिसतंय की 15% माफ करायचे, आपला गाजावाजा करून घ्यायचा, जनतेला आम्ही खुश केलं म्हणून दाखवायचं आणि खिसा मात्र आमचा कापायचा, हे काय आम्हाला सहन होणार नाही। त्यांनी कृपया 15% जर माफ करायचे असेल, 15 नाही मी म्हणतो 25% माफ करावे, परंतु ते 25% आम्हाला आमच्या खात्यावर आधी वळतं करावं, कारण आमच्या सरकारवर राज्य सरकारवर विश्वास राहिला नाही। त्याचं कारण एकच आहे की राज्य सरकारने आतापर्यंत 3.5 वर्ष झाले आम्हाला आरटीचेच पैसे दिलेले नाही जे आमच्या हक्काचे आहे, ते आरटीचे पैसे न दिल्यामुळं आता हा निर्णय जर त्यांना आदेश काढायचा असेल तर पहिल्यांदा त्याची तरतूद करावी, ते आमच्या खात्यावर जमा करावे। शिक्षा मंत्री द्वारा बिना कुछ सोचे समझे निर्णय लिया गया है। 15% शिक्षा शुल्क को माफ करने का निर्णय लिया गया है, लेकिन इस फैसले का महाराष्ट्र इंग्लिश स्कूल ट्रस्टीज एसोसिएशन ने कड़ा विरोध किया है। इस निर्णय के कारण जिन अभिभावकों का रोजगार बरकरार है, जिनका व्यवसाय सुचारू रूप से चल रहा है, कारखाने के मालिकों और 7वें वेतन आयोग के कर्मचारियों जिनकी आय प्रभावित नहीं हुई है, उन्हें शुल्क माफी क्यों दी जाए? अंत में ऐसे माता पिता ही फीस भर दी तो गरीब माता पिता के बच्चों को न्याय मिल सकता है, नहीं तो संस्था चालकों की बारी होगी कि शेष 85% भुगतान के लिए बाध्य रहेंगे। शिक्षा मंत्री ने इस पर विचार क्यों नहीं किया? मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार इस मंत्रिमंडल की बैठक में विद्यालयवार 15% फीस काटे जाने का प्रावधान क्यों नहीं किया गया? क्या स्कूलों को ही नुकसान सहना होगा और उसे क्यों भुगतना चाहिए? इसलिए मिस्टर द्वारा आज पत्र परिषद लेकर सरकार के 15% शिक्षा शुल्क माफी के निर्णय का निषेध किया गया। कैमरा पर्सन माइकल के साथ क्षितिजा देशमुख, BCN News, नागपुर।